सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में उनकी विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि सावन में शिव को प्रसन्न करना और भी ज्यादा आसान होता है। यही वजह है कि भक्त पूरे महीने भगवान की विशेष उपासना करते हैं। श्रावण मास में सोमवार के व्रत का भी विशेष महत्व है। आमतौर पर हर सावन में 4 या 5 सोमवार होते हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने की वजह से सावन 2 महीने चलेगा और इसमें 8 सोमवार पड़ेंगे। लेकिन इस साल पड़ने वाला हर सोमवार बहुत खास है। हर सोमवार को विशेष योग बन रहा है, इस कारण सावन के सोमवार का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जानिए कब कब रखा जाएगा सोमवार का व्रत। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इससे सोमवार को गुरु और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। इससे गजकेसरी योग बन रहा है। ये योग बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में विशेष उपाय करने से धन संकटों को भी दूर किया जा सकता है। सावन के दूसरे सोमवार को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवार के लिए अमावस्या तिथि को दान पुण्य के लिहाज से बेहद शुभ माना जाता है। इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या में शिव पूजा से पितर, शनि और काल सर्पदोष से मुक्ति मिलेगी। सावन के तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। इस सोमवार पर रवि और शिव योग का संयोग है। रवि योग सुबह 5:38 से रात 10:12 तक रहेगा। वहीं शिव योग 23 जुलाई को दोपहर 2:17 से शुरू होगा और 24 जुलाई 2023 को दोपहर 2:52 तक रहेगा। शिव योग में की गई शंकर जी की उपासना हर कार्य में सफलता दिलाती है। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को पड़ रहा है। इस दिन भी रवि योग रहेगा। रवि योग सुबह 5:42 से शुरू होकर शाम 6:58 तक रहेगा। रवि योग में शुभ कार्य, पूजा आदि करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। इससे धन में वृद्धि कराने वाला योग भी माना जाता है। सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त को पड़ रहा है। इस सोमवार में शूल और रवि योग का निर्माण होगा। शूल योग 6 अगस्त की रात 8:27 से 7 अगस्त 2023 की शाम 6:17 तक रहेगा। इस दिन शिवजी की उपासना, उनके व्रत और पूजन से अखंड सौभाग्य में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। 14 अगस्त को सावन का छठा सोमवार पड़ रहा है। इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है, इस कारण सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बनता है। सर्वार्थ सिद्धि योग 14 अगस्त को सुबह 11:07 से 15 अगस्त 2023 को सुबह 5:50 तक रहेगा। वहीं सिद्धि योग 13 अगस्त की दोपहर 3:56 से शुरू होगा और 14 अगस्त 2023 को दोपहर 4:40 तक रहेगा। सावन का सातवां सोमवार 21 अगस्त को पड़ेगा। इस सोमवार के दिन नाग पंचमी की भी पूजा की जाएगी। इस लिहाज से ये सोमवार बेहद अहम है। वहीं 21 अगस्त को बुधादित्य योग भी बन रहा है। ये योग 20 अगस्त की रात 9:59 से शुरू होगा और 21 अगस्त की रात 10:21 तक रहेगा। सावन के महीने का आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत शिवजी को ही समर्पित होता है, इस लिहाज से ये दिन बेहद शुभ है। इसके अलावा 28 अगस्त को आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग 27 अगस्त को दोपहर 1:27 से 28 अगस्त 2023 पर शुरू होगा और अगले दिन सुबह 9:56 पर समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।